और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी दिए जा चुके हैं। और जब से ये निर्देश दिए गए हैं तब से 12 लेबोरेटरी चेन्स रजिस्टर हो गई हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं और ये काम जारी है और हर मिनट ये बढ़ रही हैं लैब चेन्स। और जहाँ तक की बात हुई कि किट मैन्युफैक्चरर्स की है, तो किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ICMR NIV पुणे में, और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहते हैं इस समय कि ये FDA CE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है, ICMR NIV प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। नमस्कार। एसेंशियल सप्लाईज के लॉजिस्टिक ठीक प्रकार से हो तथा किसी भी स्थान पर इनकी कमी ना हो, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें तत्परता से काम कर रही हैं। एट द हाईएस्ट लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सारी एसेंशियल सप्लाईज की मॉनिटर की जा रही है। ये बात पर स्ट्रेस किया जा रहा है कि कम से कम लोग स्टोर पे जाकर सामान को खरीदें और ज़्यादा फोन पर ऑर्डर लेके होम डिलीवरी का कार्य किया जाए, तो फ्रंट एंड पर इस काम की चेष्टा की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि आपको विदित है, सैनिटाइजर और मास्क के रेट हमारे डिपार्टमेंट ने कैप कर दिए हैं और इनके प्रोडक्शन हाउसेस से रिक्वेस्ट की गई है कि आप सैनिटाइजर व मास्क का प्रोडक्शन अधिक से अधिक बढ़ाएं। मास्क का स्टैंडर्ड BIS स्टैंडर्ड का निर्धारित किया गया है और सैनिटाइजर बनाने के लिए जो इथेनॉल जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, सभी डिस्टिलरीज व उनकी एसोसिएशंस के साथ बात की गई है कि आप रॉ मटेरियल अधिक से अधिक मात्रा में सैनिटाइजर बनाने वाले कंपनियों को उपलब्ध कराएं। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स की मीटिंग हुई थी और सभी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट को बहुत ही डिटेल से बात की गई है और उस पर गौर किया जा रहा है। थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन मैं ऑनलाइन लेना चाहूंगा और इसी से संबंधित है। इज गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू गेट कोरोना टेस्ट्स मोर अफोर्डेबल एज द टेस्ट रेट्स आर 4,000 to 5,000 पर टेस्ट, बट अबाउट गेटिंग मोर टेस्टिंग किट्स अवेलेबल? इसका मैंने बताया जी, टेस्टिंग किट्स जो भारत में बनाए जा रहे हैं और नॉन FDA नॉन CE अप्रूव्ड हैं, वो उसको फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से बहुत तेजी से उनको अप्रूव किया जा रहा है, तो टेस्टिंग किट्स तो बहुत जल्दी अप्रूव होते जा रहे हैं। 2 कंपनी के ऑलरेडी अप्रूव हो गए, वो सप्लाई करना शुरू कर दिया है हमने। ओके, बी टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम हियर। 16 प्लीज यूज माइक। There are reports which suggest that despite the WHO's advisory, India kept on exporting PPEs, their raw material and ventilators. Was your ministry aware of this? Did you flag this at any point in time? What is the position of the ministry on this? I would like to know where is that WHO report where WHO has advised Government of India to do that step. Aisi koi advisory hame nahi mili hai. आई थिंक जिस टाइप की हम फेक न्यूज और एडिशनल अननेसेसरी न्यूज जो सिस्टम में अफवाह चल रही है उसके बारे में है। साथ ही मैं आपके नॉलेज में भी लाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोप्रिएट टाइम पर जिस जिस चीज की देश में जरूरत पड़ सकती है अगर COVID-19 केसेज आते हैं उनको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डालने के एक्शन लिए थे। Now, what about the stockpile? Did you maintain the stockpile? Do we have sufficient number of PPEs? Because there are reports that they are being black marketed. Please, the reports have been answered and let the second question be there. 155. सर, ये क्लोरोक्वीन दवा की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि अब पता लग रहा है कि अब इसके भी लोग स्टॉकेज करने लगे हैं और मार्केट में मिल नहीं रहा है ये। इसमें पहले मैं ये कहना चाहूंगा, क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा इज रिकमेंडेड ओनली एंड आई मीन ओनली फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर
who is treating a COVID patient. That is number one. Only for a healthcare worker who is treating a COVID patient. Number one. Number two, it is recommended only for a person's staying and caring for a household positive patient. So if in a household there is a positive patient, they are laboratory confirmed patient and they are caring for him from very close, then they have to, they can take hydroxychloroquine only for prophylaxis, only for prevention, only in these two circumstances. And for this, there is enough stocks in the country. Number 11.